अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कस... आज हमने ज्ञान में आगे ये सीखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्या होता है, और साथ में हम इस चैप्टर को रियल लाइफ में से कैसे जोड़ सकते हैं, रियलिटी में कैसे यूज करते हैं। इसी बुक्स में नहीं रहेगा, रियलिटी में भी हम यूज करेंगे। बट जस्ट ग्राउंड में आके रियल लाइफ में मैथ्स को देख रहे हैं तो मैथ्स अच्छी लग रही है और सब चैप्टर क्लियर हो। आज हमने हाइट एंड डिस्टेंस को डेली लाइफ से कनेक्ट किया, तो फिर हमारा प्रॉब्लम फिर परपेंडिकुलर होगा और फिर लग रही है हाइपोटेन्यूज होगी और फिर हमारा फेस। अगर हमको एंगल ऑफ एलिवेशन और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लाइक फोर की लेंथ मिली है, तो हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ की लेंथ निकाल सकते हैं। और अगर हमें लेंथ की लेंथ और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो हम परपेंडिकुलर फोर की लेंथ निकाल सकते हैं। मेरी बुक में एक क्वेश्चन था पोल और लैडर वाला, जो हमारा पोल है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये जो है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो ये हमने रियल लाइफ में सीखा, अगर हम ऊपर से या नीचे देखते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ